हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन ऑफ माइंडफुलनेस एंड डीमिस्टिफाइंग माइंडफुलनेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस एंड व्हाट इज़ माइंडफुलनेस एंड माइंडफुलनेस जो है वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है एंड माइंडफुलनेस के जो हैं वो फ़ायदे क्या हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। Mindfulness is the awareness that emerges that paying attention on a purpose in the present and non-judgmentally to the unfolding of experience movement by movement. अब माइंडफुलनेस जो है ये पेइंग अटेंशन है, जो कि अवेयरनेस की बेस पे की जाती है, कंडक्ट की जाती है और इस पर्पस पे की जाती है कि इंसान को प्रेजेंट मूवमेंट में जो है वो कैसे रहना जो है वो सिखाया जाए, कि वो अपने पास्ट की टेंशन को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, वरीज़ को भूल के प्रेजेंट में जीना सीखे और अपने फ्यूचर के अबाउट एंशियस होने की बजाय अपने प्रेजेंट मूवमेंट को फुली इंजॉय करे, और ना सिर्फ फुली इंजॉय करे बल्कि नॉन जजमेंटली जो है वो अपने एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करे और मूवमेंट टू मूवमेंट इसको जो है वो, इसकी जर्नी को जो है वो फील करे और अपने माइंड को मज़ीद रिप्रोडक्टिव बनाए और अपनी लाइफ की जितनी भी टेंशन्स हैं, अपने लाइफ के जितने भी मिसहैप्स हैं उसको जो है वो कवर अप करे। मोस्ट ऑफ आर स्पेंडिंग ईच डेज हैविंग साइलेंट कन्वर्सेशन विद आवर सेल्फ। माइंडफुलनेस इज दिस अ काइंड ऑफ लिसनिंग, कि हम जो है वो एवरीडे, हर इंसान जो है वो अपने साथ सेल्फ कन्वर्सेशन कर रहा होता है, सेल्फ टॉकिंग कर रहा होता है। अब ये सेल्फ टॉकिंग किस टाइप की होती है, किस टाइप के मैसेजेस हम अपने ब्रेन को कन्वे कर रहे होते हैं, किस टाइप की कन्वर्सेशन हम खुद से कर रहे होते हैं, इसको सुनने का सबसे बेस्ट टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो माइंडफुलनेस की होती है। कि माइंडफुलनेस की टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम सेल्फ कन्वर्सेशन को मॉनिटर कर सकते हैं और दे सकते हैं कि हम किस टाइप की जो है वो सेल्फ कन्वर्सेशन खुद से करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज फॉर द माइंड, मच लाइक फिजिकल एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। कि माइंडफुलनेस जो है ये एक टाइप की एक्सरसाइज है, एक मेंटल एक्सरसाइज है जो ब्रेन की, माइंड की रिप्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए की जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, ब्रेन के मैकेनिज्म को जो है वो चेंज किया जा सकता है, जिस तरह से बॉडी की शेप को, बॉडी के मसल्स को चेंज किया जा सकता है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उनको शेपिंग दी जा सकती है एक्सरसाइज के थ्रू। इसी तरह से माइंडफुलनेस भी एक माइंड के लिए, ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज है। इसी तरह से जो माइंडफुलनेस है ये अवेयरनेस की एक स्टेज होती है, एक मेंटल स्टेट होती है जिसमें इंसान जो है वो खुद को लेके आता है, एक प्रेजेंट मूवमेंट में एक जगह पे बैठ के साइलेंट होके अपने आप को वो क्या मैसेजेस दे रहा है, किस टाइप की कन्वर्सेशंस जो हैं वो उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो ब्रेन को कन्वे कर रहा है, उस चीज़ को जो है वो इसके थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जो है वो होती क्या है। अब माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन दो वेज से जो है वो परफॉर्म की जाती है, उनको प्रैक्टिस किया जाता है, एक है फॉर्मल वे और दूसरा है इनफॉर्मल वे। कि फॉर्मली भी माइंडफुलनेस एंड माइंड मेडिटेशन की टेक्निक्स को परफॉर्म किया जा सकता है, माइंडफुलनेस की स्टेट को अचीव किया जा सकता है, और इनफॉर्मली प्रैक्टिस के थ्रू भी माइंडफुलनेस को अचीव किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है साइलेंट रिट्रीट्स। कि साइलेंस जो है, साइलेंस का एलिमेंट माइंडफुलनेस के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम साइलेंट होके एक स्पेशल पोस्चर में बैठ के मेडिटेट नहीं करते या फिर माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते, तो तब तक जो है वो माइंडफुलनेस की स्टेज जो है वो अचीव नहीं की जा सकती, माइंडफुलनेस का वो लेवल अचीव नहीं किया जा सकता जो कि रियल माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिसिंग एट होम। कि माइंडफुलनेस को जो है वो घर पे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं मेडिटेट भी किया जा सकता है घर बैठ के।
कि इसको जो है वो घर पे प्रैक्टिस किया जा सकता है। उसके बाद है बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस लाइक विपांसा। विपांसा विच मीन्स टू सी थिंग्स एज दे रियली आर इज़ वन ऑफ द इंडियन मोस्ट एंशिएंट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। Vipansa is a way of self-transformation through self-observation. When practices routinely, life become characterized by experience awareness, non-delusions and self-control and peace. के बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को जिसमें विपांसा की टेक्निक जो है वो मेडिटेशन के हवाले से आ जाती है, उसको भी माइंडफुलनेस के लिए यूज़ किया जाता है कि माइंडफुलनेस का एलिमेंट जो है वो मेडिटेशन में भी ज़रूरी होता है। अब विपांसा मेडिटेशन जो है वो क्या होती है? विपांसा मेडिटेशन एक ऐसी मेडिटेशन होती है जिसमें जो है वो सेल्फ़ ऑब्जर्वेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन की टेक्निक के ज़रिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक वे जो है वो बनाया जाता है, सेल्फ कंट्रोल जो है वो इससे सीखा जाता है, बॉडी अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जाता है, और माइंडफुलनेस का वो लेवल अचीव किया जाता है, पीस का वो लेवल अचीव किया जाता है जिसके थ्रू सेल्फ कंट्रोल जो है वो सीखा जाता है, और इसके ज़रिए जो है वो लाइफ हमारी जो है वो अवेयरनेस के लेवल पे जो है वो ज़्यादा अवेयरनेस का लेवल जो है वो लाइफ में ज़्यादा होता है, सेल्फ कंट्रोल लाइफ में ज़्यादा होता है, पीसफुलनेस जो है वो ज़्यादा होती है, और लाइफ को एक बेटर वे में रीडायरेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो माइंडफुलनेस को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फोकस्ड अटेंशन, कि फोकस्ड अटेंशन होना और फोकस्ड अटेंशन की स्टेज को माइंडफुलनेस में लेके आना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप फोकस्ड अटेंशन होके नहीं बैठते तो माइंडफुलनेस का वो लेवल अचीव नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो फोकस्ड अटेंशन है, अपनी अटेंशन को बाकी चीज़ों से हटा के अपनी डेली लाइफ की वरीज़, अपनी एंजाइटीज़, अपने फ्यूचर से रिलेटेड एंशियस आइडियाज़ को छोड़ के, एंशियस थिंकिंग को छोड़ के जो है वो हमने फोकस्ड माइंड की, फोकस्ड अटेंशन की स्टेज में जो है वो आना पड़ता है, और अपना फोकस जो है वो जस्ट एक चीज़ पे लगाना होता है। उसके बाद ओपन मॉनिटरिंग। ओपन मॉनिटरिंग मीन्स कि जब हम माइंडफुलनेस की स्टेज में होते हैं या फिर हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तो हमने एक ओपन मॉनिटरिंग वाला सिस्टम जो है वो यूज़ करना होता है। ओपन मॉनिटरिंग लाइक कि हम किस टाइप की सेल्फ कन्वर्सेशन खुद से कर रहे हैं, किस टाइप की बॉडीली चेंजिंग्स हमारे अंदर आ रही हैं, हम जो सांस ले रहे हैं हम उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कितना लंबा सांस ले रहे हैं, उस सांस के ज़रिए से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो हमारी बॉडी की किन किन पार्ट्स में पहुँच रही है, किस टाइप की फीलिंग्स जो है वो हम फील कर रहे हैं उस टाइम, और किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है, प्रेजेंट मूवमेंट को फुली फील करना और उसको मॉनिटर करना, ये ओपन मॉनिटरिंग में आ जाता है। उसके बाद है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, डिवेलप्ड बाय जॉन कैस्पिट। जेन MBSR यूज एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंडफुलनेस, meditation, body awareness and yoga to help people become more mindful. कि mindfulness based stress reduction एक therapy है, जिस तरह से CBT है, जिस तरह से cognitive behavioral therapy है या cognitive therapy है, जितने भी psychology के student हैं, जितने भी psychologist हैं वो ये theory जो है वो practice करते हैं cognition को change करने के लिए, clients के behavior को change करने के लिए। इसी तरह से माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन भी एक थेरेपी है जो कि यूज़ की जाती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए और डिप्रेशन को डिक्रीज करने के लिए। अब माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन एक थेरेपी है जो कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, और इसमें जो है वो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है मेडिटेशन के साथ, बॉडी अवेयरनेस के साथ एंड योगा के साथ। यानी कि ये मिक्सचर्स ऑफ ऐसी जितनी भी टेक्निक्स जो माइंडफुलनेस को अचीव करने के लिए, जो मेडिटेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ऐसी टेक्निक्स जो सेल्फ रिडक्शन का जो है वो बाइस बन सकती हैं
या जिनसे स्ट्रेस रिड्यूस होती है, इस थेरेपी में उन सब टेक्निक्स को मिला के यूज़ किया जाता है, लाइक माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बॉडी अवेयरनेस, योगा। और ये किस लिए किया जाता है? ताकि हम मोर माइंडफुल हों, हमारी लाइफ की रिप्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो, हम जो है वो बेटर वे में चीज़ों के साथ डील कर सकें, अपनी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स, सर्कमस्टांसेस, अप्स एंड डाउन्स को बेटर वे में जो है वो डील कर सकें। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड स्लाइड, दैट इज़ बेनिफिट्स, न्यूरोसाइंसेस एंड फाइंडिंग्स। कि न्यूरोसाइंसेस की जो है, न्यूरोसाइंसेस में बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो की जाती हैं ब्रेन के हवाले से, इसी तरह से बाकी भी जितने हमारे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं लाइक मेमोरी, कॉग्निशन, तो बहुत सारे टॉपिक्स को जो है वो न्यूरोसाइंस रिसर्च करती है। उनमें से एक माइंडफुलनेस का एलिमेंट भी है कि माइंडफुलनेस पे भी जो है वो बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो की गई हैं और उनकी फाइंडिंग्स ये शो करती हैं कि माइंडफुलनेस जो है वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च हैज़ फाउंडेड दैट मेडिटेटर्स अपेयर टू लूज लेस ग्रे मैटर एंड दैट मेडिटेट रिड्यूस्ड द कॉग्निटिव डिक्लाइन एसोसिएटेड विद नॉर्मल एजिंग्स। न्यूरोसाइंसेस की रिसर्चेस की फाइंडिंग्स ये शो करती हैं कि ऐसे लोग जो मेडिटेट करते हैं या फिर ऐसे लोग जो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो उसकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल्स जो मेडिटेट नहीं करते। इसी तरह से जो ग्रे मैटर है ये कॉग्निटिव डिक्लाइन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एजिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब होता क्या है कि अगर ग्रे मैटर की क्वांटिटी जो है वो हमारे ब्रेन में कम होती है, उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है, तो कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन मीन्स हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं, लाइक हमारी मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी परसेप्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसके अलावा जो एजिंग से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो इंक्रीज होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है मोर ग्रेसिफिकेशन और फॉल्डिंग ऑफ द कॉर्टेक्स विच इज़ एसोसिएटेड विद फास्टर मेंटल प्रोसेस। कि हमारा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में फॉल्डिंग एक प्रोसेस होता है जो कि एसोसिएट होता है फास्टर मेंटल प्रोसेसिंग के हवाले से। कि जो लोग मेडिटेट करते हैं, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, रिसर्चेस ये शो करती हैं कि उनके ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, उनकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो फास्टर प्रोसेस कर रही होती है, उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो फास्टर वे में जो है वो वर्क कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग जो माइंडफुलनेस की टेक्निक को यूज़ नहीं करते। उसके बाद है इंक्रीज्ड थिकनेस इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड राइट इंटीरियर इंसा एरिया ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद अटेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन एंड इमोशंस इन ऑन सेल्फ एंड अदर्स। इसमें यह है कि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की थिकनेस है उसमें उसमें इजाफा होता है, उसमें इजाफे की वजह से अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन एंड इमोशंस की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है मेडिटेट की वजह से, माइंडफुलनेस की टेक्निक की वजह से। कि माइंडफुल एक बंदा जो माइंडफुलनेस की टेक्निक डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता है, उसका ब्रेन मैकेनिज़म चेंज होता है, उसके ब्रेन मैकेनिज़म में चेंज होने की वजह से उसकी ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है वो इफ़ेक्ट होती है, वो चेंज होती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स का की जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है मेडिटेटर्स हु हैड प्रैक्टिस 5 years और अ मोर हैड सिग्निफिकेंटली लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ ग्रे मैटर इन द हिप्पोकैम्पस एंड एरिया क्रूशियल टू मेमोरी एंड लर्निंग। इसी तरह से ऐसे लोग जो मेडिटेट करते हैं, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, उनके जो वॉल्यूम होता है ग्रे मैटर का हिप्पोकैम्पस में वो सिग्निफिकेंटली लार्जर होता है ऐसे लोगों से जो ये टेक्निक यूज़ नहीं करते, और इस वॉल्यूम के लार्जर होने की वजह से उनकी जो मेमोरी है और जो उनके लर्निंग है वो दूसरे लोगों की नस्बत ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है, वो ज़्यादा बेटर वे में जो है वो लर्न कर सकते हैं चीज़ें।
उसके बाद है मच मच मोर, देयर आर नाउ हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज ऑन मेडिटेटिंग एंड माइंडफुलनेस विच शोज दैट इट कैन हेल्प विद एडिक्शन, डिप्रेशन एंड एनजाइटी। इसी तरह से और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो बताती हैं कि माइंडफुलनेस की टेक्निक को यूज़ करने के, डेली प्रैक्टिस करने के जो है वो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये जो है वो एडिक्शन के पेशेंट्स के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइंडफुलनेस की टेक्निक को अगर यूज़ किया जाए, उनको मेडिटेट करवाया जाए तो उनकी एडिक्शन की जो हैबिट है वो चेंज हो सकती है। इसी तरह से ऐसे क्लाइंट्स जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिनको डिप्रेशन होता है चाहे वो मॉडरेट हो, माइल्ड हो या फिर सीवियर लेवल का हो, तो उसकी इंटेंसिटी में भी कमी होती है, डिप्रेशन भी कम होता है माइंडफुलनेस की टेक्निक की वजह से। इसी तरह से एंजाइटी को कंट्रोल करने का, एंजाइटी को ख़त्म करने का माइंडफुलनेस जो है वो बहुत बड़ा ज़रिया है। माइंडफुलनेस की टेक्निक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। इसी तरह से न्यूरो रिसर्चेस के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन के, और जिनको जो है वो इनलिस्ट किया गया है कि 7 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस के। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि माइंडफुलनेस कैन रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी का लेवल जो है वो माइंडफुलनेस की वजह से डिक्रीज़ होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली, ये रिलेशनशिप देखा गया है कि ऐसे लोग जो माइंडफुलनेस की टेक्निक को यूज़ करते हैं उनका एंजाइटी लेवल एंड स्ट्रेस लेवल कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो इस टेक्निक को यूज़ नहीं करते। माइंडफुलनेस एंड द ब्रेन, कि माइंडफुलनेस एंड द ब्रेन में ये है कि माइंडफुलनेस का ब्रेन के साथ क्या रिलेशन है। जब एक बंदा डेली मेडिटेट कर रहा है या एक बंदा डेली माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है तो उसका जो है वो ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ब्रेन की फिजियोलॉजी जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है। इसमें ब्रेन की फिजियोलॉजी इस तरह से चेंज होती है कि ब्रेन की कुछ गीमा वेव्स होती हैं, कुछ अल्फ़ा वेव्स होती हैं, कुछ बीटा वेव्स होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो माइंडफुलनेस की बेस पे चेंज होती है। जब ये फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं तो ब्रेन का जो है वो फिजियोलॉजी सिस्टम, ब्रेन का मैकेनिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, और उसके चेंज होने की वजह से लाइफ में चेंजिंग्स आती हैं। इंसान जो है वो मोर माइंडफुल हो के, मोर एक्टिव हो के, मोर रिप्रोडक्टिव वे में जो है वो अपने डेली लाइफ कि जो भी चीज़ें हैं उनको परफॉर्म करता है। उसके बाद थर्ड है, माइंडफुलनेस हेल्प यू टू बिकम मोर फोकस्ड एंड हाईली प्रोडक्टिव, कि माइंडफुलनेस जो है वो आपको हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में और फोकस्ड होने में, कि हमारे फोकस करने की एबिलिटी को जो है वो इंक्रीज़ करती है। हम जो है वो अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों से हट के स्ट्रेस, एंजाइटी, एंशियस थाट्स, ओवर थिंकिंग, इन सबको जो है वो छोड़ के एक ही पर्पस पे फोकस करके जो है वो अपनी लाइफ को लेके जा सकते हैं। और ये एबिलिटी जो है या ये क्वालिटी जो है वो हमारे अंदर माइंडफुलनेस की वजह से पैदा हो सकती है। उसके बाद है, माइंडफुलनेस हेल्प यू टू बिल्ड मसल्स एंड लूज फैट फास्टर, कि माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है ये मसल्स बिल्डिंग में अहम रोल प्ले करती है। इसी तरह से जो बॉडी फैट्स होते हैं उनको भी कम करने में जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है। और जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ आप देख लें, वो खुद कह रहे होते हैं कि जस्ट जिम में जाके एक्सरसाइज करना और जस्ट जो है वो मसल्स बनाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इस प्रोसेस को एक माइंडफुल वे में लेके चलना, मेंटल रेडीनेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, माइंडफुलनेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सही तरीके से अचीव नहीं हो सकते। इसी तरह से माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको मिला के यूज़ किया जाता है बॉडी फैट्स को डिक्रीज़ करने के लिए। बॉडी फैट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, अब वो कैसे डिक्रीज़ होते हैं कि जब माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, माइंडफुलनेस को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट होता है, हमारे ईटिंग बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, हमारे ईटिंग पैटर्न्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो चेंज होती हैं। अगर एक बंदा माइंडफुल होके खाना खा रहा हो या खाना खाए या माइंडफुल होके उसे पता हो कि मुझे इतनी भूख है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है और मैंने जो है वो खाना जो है वो इस हद पर आके स्टॉप करना है, ज़्यादा नहीं खाना, तो ये जो माइंडफुलनेस का एलिमेंट है अगर ये हम अपने खाना खाते हुए लेके आएँ
तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। ये इंसान को जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं होने देता, इंसान को ज़्यादा खाने की जो है वो हैबिट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इससे, क्योंकि इंसान जो है वो माइंडफुल होकर खा रहा होता है। उससे पता होता है कि हर निवाले को जो है वो इंजॉय कर रहा होता है, हर मोमेंट को इंजॉय कर रहा होता है, कम जो है वो अपने खाने की जो स्पीड है वो कम करता है, माइंडफुल होता है, उसे पता होता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसका टेस्ट कैसा है, एक एक बाइट को वो इंजॉय कर रहा होता है। तो ये होती है माइंडफुलनेस जो कि हम खाने के प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। उसके बाद है माइंडफुलनेस कैन मेक यू ऑप्टिमली हेल्दी, कि माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है ये लोग जो यूज़ करते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनमें जो है वो डिजीज़ का जो है वो एलिमेंट वो कम होता है, वो कम बीमार पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग जो मेडिटेट या फिर माइंडफुलनेस की टेक्निक को यूज़ नहीं करते। माइंडफुलनेस कैन हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजंस, कि माइंडफुलनेस जो है ये आपको हेल्प करती है अपनी लाइफ के बेटर डिसीजंस लेने में। बेटर डिसीजन जब डिसीजन लिया जाता है तो बजाय इसके कि हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, डिप्रेशन की कंडीशन में, एनजाइटी की कंडीशन में, हाइपर होके गुस्से में, इमोशंस में आके जो है वो डिसीजन लें, तो उसकी जगह जो है वो इंसान को थोड़ी सी ये टेक्निक यूज़ कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेना चाहिए, खुद से बॉडी लेवल को जो है वो नॉर्मल स्टेज पे लेके आना चाहिए, अपने हर्ट लेवल को नॉर्मल स्टेज पे लेके आना चाहिए, माइंडफुल होके सारे एंशियस थॉट्स, अपनी एनजाइटीज़ जो हैं वो दूर करके अपने लाइफ का जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो लोग माइंडफुलनेस की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और माइंडफुलनेस की जो टेक्निक्स है ये दुनिया के जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, बुक्स वगैरह पढ़ लें, तो ये जो मेडिटेट और माइंडफुलनेस की टेक्निक है ये उनकी डेली लाइफ का हिस्सा होती है, जिसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत इंक्रीज़ होती है, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, ज़्यादा एंजाइटी नहीं लेते, उनको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो बल्कि परेशानी को टैकल करना है, एंजाइटी को टैकल कैसे करना है, उसको ख़त्म कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो आता है। इसी तरह से माइंडफुलनेस हेल्प यू टू ऑपरेट ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम, कि इसी तरह से ऐसे लोग जो माइंडफुलनेस की टेक्निक को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई लेवल पे होती है। ये फ्रीक्वेंसी मेंटल फ्रीक्वेंसी की वे में जो है वो यूज़ की जा रही है, कि उनका ब्रेन जो है वो ज़्यादा फास्टर प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उनकी जो ब्रेन एबिलिटी होती है वो ज़्यादा फास्टर होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो फास्टर होती है, वो जो है वो किसी भी चीज़ को अपने आप के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होने देते, वो इन्वायरमेंट का कोई स्ट्रेस जो है वो नहीं लेते ज़्यादा, वो सब्सटेंशनल होके जो है वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, यानी कि वो इन्वायरमेंटली इफेक्ट नहीं होते, उनके अंदर इतनी पावर होती है, जब उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है तो बाहर के इन्वायरमेंटल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रेसर्स हो गए, ऑब्स्टेकल्स हो गए, वो बहुत छोटे हो जाते हैं और इंसान की हिम्मत और हौसला जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे अंदर फियर जो है वो ज़्यादा होता है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, पैनिक हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे अंदर एंजाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर जो है वो हमारी लाइफ में बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारे अंदर का करेज, हमारे अंदर का हौसला, हमारे अंदर जो है वो कुछ करने की हिम्मत, वो जो है वो छोटी पड़ जाती है और ये चीज़ें जो है वो बड़ी हो जाती हैं। इसी तरह से फियर को जो है वो जितना छोटा 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 किया जाए, जितना उसको टैकल किया जाए, उससे लड़ने की हिम्मत जितनी हमारे अंदर पैदा होगी, वो फियर, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस उतने ही छोटे होते जाएंगे और उनको टैकल करना जो है वो ईजी होगा। इसी तरह से माइंडफुलनेस के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कि ये लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है माइंडफुलनेस जो है, हमारे ब्रेन मैकेनिज्म पे इफ़ेक्ट होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंडफुलनेस के थ्रू जो हैं वो टैकल की जा सकती हैं, लाइक एनजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, के ये जो माइंडफुलनेस की टेक्निक है, मेडिटेशन की टेक्निक है, ये जो है वो यूज़ की जाती है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, सो सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।